इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने फोकस प्लस सॉफ्टवेयर में स्टूडेंट्स की अटेंडेंस की एंट्री कैसे करनी है और अटेंडेंस की रिपोर्ट कैसे चेक करनी है। इसके लिए सबसे पहले आपने एंट्रीज में आना है। एंट्रीज पे आके आप अटेंडेंस पे आओगे तो यहाँ पे आपके पास कोर्स की लिस्ट आ जाएगी, जो भी क्लासेस हैं उसकी लिस्ट आ जाएगी आपके पास। जिस कोर्स और क्लास के स्टूडेंट्स की आपने अटेंडेंस लगानी है उस कोर्स को आप डबल क्लिक कर लोगे। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दो कोर्सेज बनाए हुए हैं, उसमें स्टूडेंट्स की एडमिशन की गई है। मान लीजिए सबसे पहले हमने जावा प्रोग्रामिंग जो है इस कोर्स के जो भी स्टूडेंट हैं उनकी अटेंडेंस लगानी है। इसके लिए हमने जावा प्रोग्रामिंग कोर्स को डबल क्लिक कर लेना है। जैसे इसको मैं डबल क्लिक कर रही हूँ, डबल क्लिक करते ही कोर्स को उसमें जितने भी स्टूडेंट होंगे वो उनकी लिस्ट आ जाएगी आपके पास। तो इस कोर्स में 3 स्टूडेंट की एडमिशन की गई थी तो 3 सॉफ्टवेयर ने दिखा दिए हैं लिस्ट में आपको। यहाँ पे आप अटेंडेंस लगा सकते हो। यहाँ पे प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट पे टिक लगा दोगे आप। अगर स्टूडेंट एबसेंट है तो एबसेंट को सिलेक्ट कर लोगे, बॉक्स में टिक लगा दोगे। मान लीजिए जो राहुल गुप्ता नाम का स्टूडेंट है वो एबसेंट है तो आपने यहाँ पे एबसेंट पे टिक लगा देना है। और अगर कोई स्टूडेंट लीव पे है तो लीव पे टिक लगा दोगे। इस तरह से आपने अटेंडेंस लगा देनी है स्टूडेंट्स की। अटेंडेंस लगाने के बाद आपने यहाँ से सेव करना है, सेव का बटन दिया गया है आपको। तो यहाँ नीचे आपको SMS की फैसिलिटी दी गई है। अगर आप एबसेंट स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को SMS वगैरह सेंड करना चाहते हो तो आपने एबसेंट SMS पे क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली SMS चला जाएगा उनके पेरेंट्स को कि आपका जो बच्चा है वो एबसेंट है आज के दिन। अगर आप प्रेजेंट स्टूडेंट के लिए SMS करना चाहते हो तो प्रेजेंट SMS पे आपने क्लिक करना है। SMS करने के लिए आपके पास बल्क SMS पैकेज होना ज़रूरी है। अगर आपने परचेज किया होगा SMS पैक तो आप यहाँ से SMS कर सकते हो। यहाँ पे आपको प्रिंट की ऑप्शन दी गई है। अगर आप ये सारी लिस्ट को जो भी आपने अटेंडेंस लगाई है उसको आप प्रिंट करना चाहते हो तो आप प्रिंट पे क्लिक कर दोगे तो ये सारी अटेंडेंस रिपोर्ट जो है वो प्रिंट हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपने किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को सर्च करना है तो उसके लिए सर्च ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करोगे। मान लीजिए आपने यहाँ पर नाम देना है। अगर आपके पास स्टूडेंट्स की लंबी लिस्ट होगी तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है उसको सर्च करना, तो इसी वजह से यहाँ पे सर्च ऑप्शन दी गई है आपको सॉफ्टवेयर में। यहाँ पे देखिए राहुल गुप्ता जो है उसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, कर्सर जो है इस पर था राहुल गुप्ता पे। तो मान लीजिए आपने लिस्ट में से किसी और स्टूडेंट पे जाना है, सर्च करना है स्टूडेंट को, तो उसके लिए यहाँ पर आप उसका नाम दे दोगे। मान लीजिए यहाँ पर सुनीता दे देती हूँ मैं, यहाँ पर गो कर देंगे। देखिए गो पे क्लिक करते ही सुनीता जो है उसको सिलेक्ट कर दिया है सॉफ्टवेयर ने। अभी मान लीजिए कि एक ही नाम के 2-3 स्टूडेंट हैं तो उसके लिए आप एडमिशन नंबर भी डाल सकते हो पर्टिकुलर स्टूडेंट का, तो एडमिशन नंबर से भी सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस दी गई हैं, आप इसके थ्रू सर्च कर सकते हो। इसको अभी क्लोज कर देते हैं तो यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे जितने भी इस कोर्स में टोटल स्टूडेंट हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे टोटल। यहाँ पे 3 स्टूडेंट दिखा रहा है सॉफ्टवेयर आपको। यहाँ टोटल प्रेजेंट आ जाएगा कि कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हैं। यहाँ पे आ जाएगा जितने एब्सेंट हैं स्टूडेंट, वो दिखा देगा सॉफ्टवेयर आपको। यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर दिखाएगा कि कितने स्टूडेंट एब्सेंट हैं और कितने जो हैं वो लीव पे हैं। इस तरह से आपने ये सारी चीज़ें चेक करके आप यहाँ पे बस अटेंडेंस लगा के आपने सेव कर देना है इसको, ओके करेंगे। अभी हमने जावा प्रोग्रामिंग जो कोर्स है उसके स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लगा दी है। अभी हम जो BCA वाले स्टूडेंट हैं उनकी भी अटेंडेंस लगा देते हैं। यहाँ पे इसको भी डबल क्लिक कर लेंगे हम। यहाँ पर आप बैच भी सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन से बैच की आपने अटेंडेंस लगानी है। जैसे अभी यहाँ पे 2 स्टूडेंट आ रहे हैं BCA में, जो भी स्टूडेंट हैं उनकी लिस्ट आ रही है। अगर आप किसी पर्टिकुलर बैच के स्टूडेंट निकालना चाहते हो, अटेंडेंस लगाना चाहते हो, यहाँ पे बैच आ जाएगा। जिन स्टूडेंट्स का बैच जो है 9 बजे से लेकर 11 बजे तक है, अगर उनकी आपने अटेंडेंस लगानी है उसको सिलेक्ट कर लोगे बैच में,
उसके बाद आपने ओके करना है। तो देखिए जो स्टूडेंट था इस बैच में उसको दिखा दिया सॉफ्टवेयर ने। अगर आपने सभी की अटेंडेंस लगानी है BCA कोर्स वाले सभी स्टूडेंट की, तो ऑल सेलेक्ट करके ओके कर दोगे तो आपके पास सारी लिस्ट आ जाएगी जितने भी स्टूडेंट होंगे आपके पास इस कोर्स में। तो इसी तरह से हम अटेंडेंस लगा देंगे। मान लीजिए जो रोहित कुमार है वो लीव पे है, यहाँ पे लीव पे मैंने दे दिया इसको। रितिका जो है वो प्रेजेंट है। इस तरह से अटेंडेंस लगा के सेव कर दिया मैंने, ओके कर देंगे। तो दोनों जो भी क्लासेस हैं हमने उनकी अटेंडेंस लगा दी है। यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर दिखा रहा है हर क्लास के कितने स्टूडेंट हैं। जैसे BCA में 2 स्टूडेंट हैं, एक प्रेजेंट है और एक लीव पे है। इसी तरह से जावा प्रोग्रामिंग के कोर्स में जितने स्टूडेंट हैं 3 हैं, 2 स्टूडेंट जो हैं प्रेजेंट हैं, एक एबसेंट है। तो यहाँ नीचे इसका सारा टोटल आ जाता है कि हमारे पास जितने भी स्टूडेंट हैं सभी क्लासेस के कितने हैं वो दिखा देगा सॉफ्टवेयर। यहाँ पे दिखा रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5। यहाँ पे टोटल प्रेजेंट कितने हैं वो दिखाएगा सॉफ्टवेयर। यहाँ पे एब्सेंट कितने हैं वो दिखा रहा है और लीव पे कितने हैं वो दिखाएगा। मींस यहाँ पे टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे सभी क्लासेस के, आपके पास ये रिपोर्ट आ जाएगी। अगर मान लीजिए आपने किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की अटेंडेंस रिपोर्ट चेक करनी है तो उसके लिए आपने अटेंडेंस रिपोर्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आप एडमिशन नंबर डाल दोगे। एडमिशन नंबर सर्च करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दी गई है आपको, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जिस पर्टिकुलर स्टूडेंट को आपने सर्च करना है, उसकी रिपोर्ट चेक करनी है अटेंडेंस की, उसका नाम दे सकते हो, कोर्स दे सकते हो, फादर नेम, रोल नंबर, ये सारी ऊपर जो भी ऑप्शन दी गई हैं सर्च करने के लिए हैं। तो जिस स्टूडेंट की आपने अटेंडेंस रिपोर्ट चेक करनी है उसको आप डबल क्लिक कर दोगे, यहाँ पे एडमिशन नंबर आ जाएगा उसका। यहाँ पे आप डेट डाल दोगे, जितनी डेट तक आपने देखनी है रिपोर्ट, महीने की, 2 महीने की, जैसे भी आपने देखनी है उस हिसाब से आप डेट रेंज सेट कर लोगे। ये डेट डाल के आपने ओके कर देना है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है सॉफ्टवेयर, यहाँ डेट आ जाएगी, कौन कौन सी डेट को प्रेजेंट था स्टूडेंट, कौन सी डेट को एब्सेंट था, लीव पे था, ये सारी रिपोर्ट आ जाती है। अभी ये दिखा रहा है कि दोनों दिन जो भी हैं, जो भी डेट रेंज हमने सेट की है उसके हिसाब से यहाँ पे सॉफ्टवेयर इसको प्रेजेंट दिखा रहा है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएगा, टोटल डेज कितने हैं, कितने दिन स्टूडेंट जो है, पर्टिकुलर स्टूडेंट जो है प्रेजेंट रहा है और कितने दिन एब्सेंट रहा है, यहाँ पे कितने दिन लीव पे रहा है वो। यहाँ पे स्टूडेंट की डिटेल आ रही है, नाम आ रहा है रितिका, यहाँ पे फादर नेम भी आ रहा है और यहाँ कोर्स उसका क्या है वो भी दिखा रहा है सॉफ्टवेयर। तो ये सारी डिटेल आ जाएगी आपके पास पर्टिकुलर स्टूडेंट की। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहें तो यहाँ पे प्रिंट की ऑप्शन दी गई है, आपको प्रिंट भी कर सकते हो आप। अगर आप एडिट करना चाहते हो अटेंडेंस को, यहाँ पे आपने इनपुट की थी अटेंडेंस की, वहाँ तक आप देखना चाहते हो जाकर इसको, इस रिपोर्ट को, तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर दोगे। एडिट पे क्लिक करते ही आपके पास उस डेट की अटेंडेंस आ जाएगी लिस्ट सारी, आप चेक कर सकते हो। उसके बाद चेक करने के बाद आप अपडेट कर दोगे या क्लोज़ कर दोगे इसको, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। अभी हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। तो इस तरह से आपने स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लगानी है और उसकी अटेंडेंस रिपोर्ट जो भी बनेगी आप चेक कर सकते हो हर तरह से। इसके रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। थैंक यू।